अस्सलाम वालेकुम, क्लास लेक्चर नंबर 2, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया किस तरह से किया जाता है, और ये कोर्स जो है वो प्राइवेट लेबल के लिए है। यहाँ पर हमने देखना है कि प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले है टाइटल। टाइटल क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है कि भाई इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर है, सुपर बिस्किट। उसके बाद उसका वेट और उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि क्या है, एनर्जी बिस्किट है या फिर कोई ड्रिंक की बात करें तो वो उसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल मस्ट नॉट एक्सीड 200 करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। टाइटल मस्ट नॉट कंटेन प्रोमोशनल फ्रेजेस। 100% क्वालिटी गारंटीड। कह रहे हैं कि जो टाइटल है उसके जो करेक्टर्स हैं, मतलब के लेटर्स हैं जैसे ए बी सी होते हैं, वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ना ही उनके अंदर ये जो स्पेसेस है या फिर न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं जैसे परसेंटेज, डॉलर, ग्रेटर, स्मॉलर, छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये नहीं होने चाहिए। मस्ट कंटेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज हाइकिंग बूट्स और अम्ब्रेला। और इनके अंदर एक प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, की वर्ड। फेलियर टू कम्प्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट्स मे कॉज अ प्रोडक्ट टू बी सुप्रेस्ड फ्रॉम अमेजोन सर्च रिजल्ट। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? एज एन अमेजोन सेलर यू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 बुलेट पॉइंट्स एट योर डिस्पोजल। फॉर द लेंथ ऑफ ऑल बुलेट पॉइंट्स अमेजोन रिकमेंड्स अ मैक्सिमम 500 करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। 5 जो हैं वो मैक्सिमम बुलेट पॉइंट होने चाहिए, और वो हर बुलेट पॉइंट के अंदर जो है वो 500 वर्ड्स होने चाहिए, स्पेसेस इंक्लूडिंग। ठीक है ना? प्रैक्टिकली इसको हम अभी देखते हैं कि ये किस तरह से बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। फॉर्मुलेट बुलेट पॉइंट From the customer's point of view, after all, it's about convincing the customer of your product. Third one हमारा है description. कोई भी चीज़ है तो जाहिर है उसकी उन्होंने सबसे एंड पे description दी होती है, उसके बारे में बताया होता है कि ये क्या है, कितने की है, उसकी characteristics क्या हैं, तो उसको हम description बोलते हैं। As an Amazon seller, you have a limit of maximum 2000 characters including spaces. 2000 जो character हैं description के अंदर होने चाहिए। Specification, how to use, what package include, user manual and precautions etc could be added into description field to enhance the customer experience. और description के अंदर क्या क्या question होते हैं, जैसे हम किसी shop पर जाके पूछते हैं भाई इसको किस तरह से use करना है, manual precautions क्या हैं, एहतियात क्या हैं, किस तरह से हमने इसको use करना है, कोई इसका नुकसान तो नहीं है, इसका benefit क्या है, तो ये सारे description के अंदर आते हैं। अच्छा, gated categories क्या होती हैं? It means Amazon allows to sell ऐसी कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की जिनको अमेज़ोन क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, उनको परमिट करता है, अलाउ कर देता है जी सेल करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए। और जो अनगेटेड हैं या फिर नॉन गेटेड हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हमने करने के लिए, लिस्ट करने के लिए या फिर सेल करने के लिए अमेज़ोन से परमिशन लेनी होती है। गेटेड कैटेगरीज के अंदर बेबीज आइटम्स, टॉयज, गेम्स, household and health, industrial and scientific items, electronics, automobiles, fine art, blu-ray, watches, ये सारी की सारी categories जो हैं gated categories हैं, और इसको हमने private label के अंदर जब आप लोगों ने searching करनी है तो इन सारी categories से searching करनी है। ungated जो होंगी जैसे ऐसी products जो electronics हों, बिजली की हों, ठीक है, या फिर ग्लास वगैरह हों, मिरर हों, उसको हम नहीं सर्च करते। कीवर्ड्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। जब हम सर्च कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें सूटेबल कीवर्ड्स को चूज़ करना चाहिए। हाउ मैनी पीपल लाइक इट, ऐसे कीवर्ड्स जिनको बहुत दफ़ा सर्च किया गया है। लाइक अगर एक चीज़ का ट्रेंड है बेबी वो जो टॉयज़ होते हैं उनका, या फिर कोई और प्रोडक्ट है उसको सर्च किया गया है, तो हमने उस कीवर्ड को यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिनका ट्रेंड है। हाउ मैनी पीपल आर अर्निंग मंथली फ्रॉम सिटी, हाउ मच पीपल बाय इट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स का। जीमेल अकाउंट पर जाके हमने सबसे पहले इसको क्लिक किया, यहाँ पर जीमेल आपकी ओपन हो जाएगी, वर्कस्पेस,
ये मेल करने का मेथड है। जब आपने किसी को भी मेल करनी है तो किस तरह से आपने मेल करनी है, सबसे पहले आपने जीमेल ओपन की। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कंपोज, यहाँ पे आपने जाना है कंपोज, इसको ओपन कर लेना है। कंपोज के बाद ये न्यू पेज आ गया, यहाँ पे जहाँ टू लिखा है यहाँ पे आपने मेल से वो लिखना है, ईमेल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, और एट द एंड आपने यहाँ पे मैसेज जो है वो लिख के और बाद में उसको सेंड कर देना है। इस तरह से मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए एरर आ गया, तो बस आपने इसको लिख के सेंड कर देना है। अच्छा, टाइटल की बात हो रही है तो ये जो सबसे ऊपर वाली चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये वाला यहाँ से लिखा हुआ है कोटेनली फ्रेश फील फ्लशेबल वेट पाइप्स एडल्ट वेट पाइप्स 8 फ्लिप टॉप पैक्स। यहाँ पर उन्होंने टाइटल बताया, एक तो प्रोडक्ट का नाम बताया, ऊपर से उसका साइज़ बताया और साथ में पैक बताए हैं जी कितने हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, इस चीज़ को हम टाइटल बोलते हैं। अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये बुलेट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, मैक्सिमम बुलेट्स पॉइंट्स जो हैं वो 5 होने चाहिए। ठीक है, कितने 5 होने चाहिए, और हर जो पॉइंट है उसके अंदर 500 करेक्टर्स होने चाहिए, मतलब कि ए बी सी जो है वो लिखी है वो स्पेसेस के साथ, ये जो दरमियान में स्पेसेस आ रही हैं इनके साथ हर बुलेट पॉइंट के अंदर 500 करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। थर्ड वन अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे है जी ये है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि ये किस तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्ट है हार्ड है, उसकी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं यहाँ पे इसके अंदर, इसको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये जो नीचे है ये वाली चीज़ वो प्रोडक्ट डिटेल है। ठीक है, इसमें डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब होता है साइज़, जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो कितने इंचेस के हैं लेफ़्ट राइट से, मतलब विड्थ कितनी है और उनकी लंबाई कितनी है, उनका साइज़ कितना है और वेट कितना है। आइटम मॉडल नंबर है, डिपार्टमेंट कौन से कैटेगरी की है, मटेरियल फीचर है, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं जो बनाते हैं, एसएन नंबर है, उसके बाद कंट्री और रीजन, उसके बाद रैंक है, और यहाँ पे एंड पे रेटिंग बताई हुई है। ओके,